आज हम डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को याद कर रहे हैं। ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर किए गए उनके काम बहुत ही क्रांतिकारी हैं। उन्होंने किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज एवं टीवी सीरीज के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया है। उनकी किताब समय का संक्षिप्त इतिहास की कुछ पंक्तियाँ हैं। हम स्वयं को एक विस्मयकारी संसार में पाते हैं, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसका एक स्पष्ट अर्थ निकालना चाहते हैं और यह पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, हमारा इसमें स्थान क्या है और हम कहाँ से आए। विज्ञान का संभावित अंतिम लक्ष्य एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या करता हो, एक ही प्रयास में संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले किसी सिद्धांत को बनाना बहुत ही कठिन है। इसके स्थान पर हम समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और फिर बहुत सारे आंशिक सिद्धांतों का आविष्कार करते हैं। डॉक्टर स्टीफन ने कुछ इसी तरह से हम सबको विज्ञान से जुड़ने की ओर प्रेरित किया है। आशा है कि आप भी उनकी किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरीज से प्रेरित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।